ओम शांति। बहुत बारी हमको ये प्रश्न मिलता है कि बाबा के नजदीक और बाबा का प्यार हम कैसे सदा पाए। इस बात में हम तो दादियों को ही आगे रख करके उनका उदाहरण देते हैं कि भगवान और मैं कहूंगी हमारा बाबा एक ऐसी पवित्र हस्ती है, एवर प्योर है। और जब भी हमारे अंदर वो क्लेनलीनेस का फाउंडेशन होता है, सच्चाई का फाउंडेशन होता है, निस्वार्थ भाव का फाउंडेशन होता है, तो ऐसे लगता है कि भगवान साथी है, क्योंकि वाइब्रेशन से मैच होता है। तो हमारा तो बाहर का भटकना तो बंद हुआ, भगवान तो घर बैठे मिल गया है। लेकिन वो अविनाशी, अटूट, अनादि संबंध का फायदा पूर्ण रूप से लेना है तो हमारी मीठी दादी जानकी के 3 स्लोगन अपनाना पड़ेगा: सच्चाई, सफाई और सादगी। हमारे अंदर में एक संसार है, हर एक के अंदर में एक संसार है, संकल्पों से बनाया हुआ संसार है, हमारे मान्यताएं है, हमारे मेमोरीज है, हमारे चित्त में जो बातें भरी हुई है। अभी इस संसार के अंदर बाबा को बिठाना है, और एक बाप दूसरा ना कोई। तो कई बारी दादी हमको कहती थी कि साइलेंस का फायदा उठाओ, साइलेंस में बैठ करके देखो, साक्षी होकर के वर्तमान समय अनुसार कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी मुझे बाबा से दूर करती है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जो हमारी दिल की बातें हैं उसको अपलोड करना बहुत जरूरी है। बड़ी दादी हर रात को जब बाबा के पास बैठते थे तो जो भी दिन में बातें थी बाबा को अपलोड करते थे। दादी जानकी की नियम था कि सोने से पहले मिनिमम 10 मिनट बाबा के कमरे में बैठ करके सब कुछ बाप के हवाले कर देना है। तो जो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में या चित्त में कुछ भरी हुई है उसको जब हम साफ कर देते हैं तब बड़े आराम से हम नींद कर सकते हैं, बॉडी रेस्ट लेती है। चाहे 3-4 घंटा भी मिले फिर भी इनफ है। मैं जो सुना रही हूँ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, ताकि उस अनुसार हमारी अंदर की संसार, ये जो अंदर का घर है वो साफ रहे। देखो आप जिस घर में रहते हो हर रोज तो सफाई होती है ना। जब 2 दिन के लिए सफाई नहीं होती है तो आपको गंदगी दिखाई देती है, अच्छा लगता है, घर नहीं लगता है। शायद आप घर में बैठे हो, अच्छा नहीं लगता है। तो वास्तव में ये जो संबंध है आत्मा और परमात्मा के साथ, एक अटूट, अविनाशी, एक इतनी मीठा रस वाली संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप है। तो बाबा ने तो बताया है कि मैं तो हूं कंबाइंड बच्चों के साथ, लेकिन हम बच्चे महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ गिचड़ा आ गया घर में, किचड़े की बदबू आ रही है, फिर अंदर से मजा नहीं आता है। जब तक आपका अंदर का घर साफ नहीं है तो आप उस घर पे भी, ऊपर वाले घर में भी टिक नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट फाउंडेशन है कि मुझे अंदर मेरा संसार को ब्यूटीफुल बनाना है। हमारी बुद्धि किचड़े का डब्बी नहीं है, जहां चाहो बुद्धि को फेंक दो। बस किसी की अवगुण देखो वहां बुद्धि को फेंक दो, किसी में लिप्त हो जाओ। सारा टाइम बुद्धि क्या किचड़ा लेके बैठी है। लेकिन मुझे अपना अंदर का एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाना है, तो सब कुछ मैं देखूंगी ना, फूलों का देखूंगी, कांटे को निकालूंगी, जो अच्छी चीज नहीं है वो सफाई करूंगी, और वो हर रोज की बात होती है। एंड दिस इज व्हाट वी सॉ इन द दादीज, क्लेनलीनेस वाज डेली मेंटेनेंस। और हमने एक बार दादी को पूछा था कि दादी आपका पुरुषार्थ क्या है। दादी ने बहुत सरल शब्दों में बताया, मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूं। इतने सालों से बस यही पुरुषार्थ करते रहो, एक क्लेनलीनेस की आदत बन जाए। आप दादी का रहन सहन देखेंगे ना, उनका कमरा बिल्कुल सिंपल, कुछ भी बाहर नहीं है, लगता ही नहीं है कि कोई कमरे में रह रहा है। और आप हमारे कमरे में आओ इधर चीजें, उधर चीजें, इधर चीजें। इट्स ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर से मुझे अपना संसार, अपना घर को ठीक करने के लिए एक लगन चाहिए। और जब मैं इसमें एब्जॉर्ब हो जाऊंगी, हर रोज की फीलिंग्स की सफाई, हर रोज अच्छी अच्छी बातें मन में, जैसे आप चाहते हो ना नया नया कुछ सुवेनियर मिले घर में, यहाँ लगाओ इतना अच्छा लगता है, तो मन भी एक सुवेनियर शॉप है, उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें लगानी, एक दुकान है। अब फालतू माल तो किसी को नहीं देंगे ना। तो नाउ इज द टाइम टू क्लीन अप योर शिप। देन ऐसे लगेगा कि बाबा ये नजरों के सामने ही घूम रहा है। दूरी जो महसूस करते हैं, इट्स एन इल्यूजन। आप देखो, आप यहां से यहां जाएंगे 100 मीटर की दूरी में, आपका मंजिल 100 मीटर दूर है, गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन बीच में ट्रैफिक कितना है? वास्तविकता में तो दूर नहीं है, लेकिन हम दूर क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां बीच में हैं। और जो आप 30 सेकंड में काम पूरा, जर्नी पूरा कर सकते हैं, वो आपको 10-15 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत व्यर्थ संकल्पों की गाड़ियां खड़ी है। तो हम हमारे जीवन में जितना व्यर्थ को खत्म करेंगे, उतना हमको स्वर्ग का मंजिल यहां महसूस होगा। इसके लिए कई नियम बनाने पड़ते हैं खुद के लिए। दादियाँ तो जो बाप दादा ने बताए हुए नियम मर्यादाएं हैं, उसके ऊपर ही आज्ञाकारी वफादारी होकर के चले हैं। तो अभी अपने आप को ये प्रश्न पूछो कि मेरे जीवन के नियम क्या है? मैं नियम अनुसार चल रही हूं, या ऐसे ही मन पसंद, ऐसे ही कान पसंद या मुख पसंद या जो भी जीभ पसंद के आधार से चल रही हूँ? जो कर्मेंद्रियों को अच्छा चले चलो वही करे, फिर भी संतुष्ट नहीं, फिर भी खुश नहीं। क्योंकि खुशी का यही फाउंडेशन है, सत्यता। और हमको सत्यता को प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी धारणा करनी है, तो नियम बनाने पड़ते हैं, ताकि हम हमारी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी को डिसिप्लिन में चला सकते हैं। डिसिप्लिन के बिना आप अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे पता है कई बारी लोगों को डिसिप्लिन शब्द सुनने से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये संसार में नियम गुम ही हो गए हैं। जो हमारे जीवन के ओरिजिनल मर्यादाएं हैं, वो तो जैसे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी की दुनिया है सेंसरी स्टिम्युलेशन, बस जो चाहे वो करे, चाहत के हिसाब से चलाना खुद को। चाहिए 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 करते रहते हैं सारा दिन, लेकिन कुछ प्राप्ति मिलती नहीं है। तो ये एक फाउंडेशन, अपने लाइफ का फाउंडेशन बनाना है, अपने आप को सिस्टमेटिक रूप से चलाना है, ना कि कोई हवा वाली इच्छा के आधार से, बस शायद आज कुछ हो जाए, चलो आप मुझे वरदान दो, दृष्टि दो, कुछ हो जाए। नहीं, हम ब्राह्मण आत्मा है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, उसकी क्लैरिटी से प्लान बनाओ। तो हम चाहेंगे कि जरूर अंदर से हम जितना हमारी फीलिंग्स की क्लेनलीनेस पे, सच्चाई सफाई पे ध्यान रखेंगे ना, उतना आप एक ही संकल्प बाबा बोलेंगे ना, जैसे बाबा की एनर्जी आकर के अपना काम कर लेती है, शक्ति भर लेती है आत्मा में। ये कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं, और छोटी गलतियां का नतीजा क्या होता है कि अंदर कुछ बोझ लगता है, मन खाता है, भारीपन आता है। और जब तक आपने मन का बोझ को हल्का नहीं किया है, तब तक आपके फीलिंग्स में वो उमंग उत्साह नहीं रहेगा, आगे बढ़ने का वो शौक नहीं रहेगा। दिल खोल के बाबा को जो जो है, जैसी है बात, वो बताना, माना अपने मन को फ्री कर देना। और जब मन खाता नहीं है अंदर, तो खुद के प्रति बहुत प्यार आता है। ये जो हम कहते हैं ना, सेल्फ कंपैशन। देखो, कोई भी बच्चे में परिवर्तन लाना है तो उसको मारपीट से परिवर्तन नहीं ले सकता है। जब तक उस बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, तब तक उसको इंस्पिरेशन नहीं आता है परिवर्तन होने के लिए। तो बाबा हमको क्यों इतनी बारी बोलता है, बच्चे मुझे ही याद करो, अपने आप को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, पास्ट में नहीं जाओ, अपने भूलों का वर्णन नहीं करो, दूसरों के भूले का वर्णन नहीं करो। क्योंकि आप किसी की एक ही मिस्टेक निकालेंगे, आपके पीछे 10 लोग बैठे के आपका मिस्टेक नुकसान निकालने के लिए। तो बाबा क्यों बोल रहा है, बार बार अंडरलाइन करता है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्योंकि याद की शक्ति प्यार की शक्ति है। और हम जब दिल से बाबा को याद करते हैं ना, तो जो हमारी सामने जो बातें होती है वो मर्ज हो जाती है, या जो भी मन में तूफान आती है वो मर्ज हो जाती है। प्यार एक जादू का काम कर लेता है। हमको फिर ना एनालिसिस करना पड़ेगा, ना पैरालिसिस हो जाएंगे, और ऐसे लगेगा कि बाबा हमको गोदी में बिठा करके, पलकों पे बिठा करके लेके जा रहा है। तो ये एक अंदर का बहुत स्ट्रिक्ट नियम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बाबा की याद ढीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही सब कुछ है, शक्ति, प्रेम, प्यार, बल, ताकत, प्रेरणा, सब कुछ है, स्नेह जो आपको आगे बढ़ा सकता है, पास्ट को पास्ट बना करके आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकता है। बाबा की शक्ति, एनर्जी एक ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है। जो भी चित्त में बुरी बात भरी हुई है, जैसे आप बाबा को याद करेंगे, वैसे जैसे इंक को जो वो पेपर, ब्लॉटिंग पेपर चूस लेता है ना, वैसे ही बाबा की शक्ति बुराइयां को चूस लेती है, और अंदर आत्मा में हल्कापन महसूस होता है। तो हमारी ये शुभ भावना है कि आप सभी वर्तमान समय अनुसार लाइट रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जितना आप अपने आप को हल्का रखेंगे, लाइट ब्रिंग्स माइट, तब आपको बाबा की माइट की महसूसता होगी। हम पावर चाहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को खुद हल्का नहीं बनाया है। तो इन शब्दों से मैं यहां समाप्त करती हूं, और हमारी शुभ भावना है कि सभी बहुत जल्दी से जल्दी डबल लाइट अवस्था बना दो, ताकि बाप दादा की माइट प्रत्यक्ष हो और सारी विश्व की आत्माएं को ये महसूस आए कि हमारा बाबा आ गया। ओम शांति।